कहानी बिहार के उस दौर की, जब लालू यादव और राबड़ी देवी की बिहार में सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी और सरकार पर्दे के पीछे से लालू यादव चला रहे थे। कोई दिन नहीं बीतता था जब अपहरण, हत्या, लूट, डकैती या गैंगवार जैसी कोई बड़ी वारदात अखबार की सुर्खियों में ना बनी हो। आरजेडी के खिलाफ बीजेपी के अस्थाई आरोपों से एक शब्द उधार ले तो उस जंगल राज में 13 जून 1998 को राजधानी पटना में लालू यादव की पार्टी के नेता और मंत्री रहे डॉन ब्रिज बिहार प्रसाद की कमांडो सुरक्षा घेरे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का आरोप जेल से ही विधायक और बाद में सांसद बने लोजपा नेता सूरजभान सिंह और उनके बहुचर्चित शूटर श्री प्रकाश शुक्ला समेत राजन तिवारी और मुन्ना शुक्ला पर लगा था। इनमें से देखा जाए तो राजन तिवारी का नाम याद रख लिया जाए तो आगे चलकर बिहार में विधायक भी बने वो। इस दुस्साहसिक जो वारदात है इसको देखते हुए पूरा बिहार हिल गया था। एक मंत्री को सरकारी अस्पताल में सुरक्षा घेरे में गोलियों से भून दिया गया। लेकिन अभी राजन तिवारी के नाम जो है कहीं ना कहीं कुछ और दर्ज होना बाकी था। लेकिन देखा जाए तो अगले ही दिन 14 जून 1998 को पटना से जो है 300 किलोमीटर दूर पूर्णिया में सदर सीट से लगातार चौथी बार विधायक बने सीपीएम नेता अजीत सरकार को जो है गोलियों से भून दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि सरकार को 107 गोलियां मारी गई है। वहीं इस मर्डर में भी जो है राजन तिवारी का नाम आया। उसी राजन तिवारी का जो है जिसका नाम एक दिन पहले पटना में ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या में आया था। साथ में नाम आया बाहुबली नेता रहे पप्पू यादव का, जो सांसद भी रह चुके हैं और आजकल जाप से जो है अपनी पार्टी चलाते हैं। बता दें आपको कि अजीत सरकार इलाके के जो है लोकप्रिय कम्युनिस्ट नेता थे। वहीं हत्या के बाद पूर्णिया जल उठा, गुस्साए लोगों ने जो है सौ उठाने नहीं दिया लोगों ने, तो वहीं तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति का नुकसान बढ़ता जा रहा था। पूर्णिया के एसपी एस राजन हालात संभाल नहीं पा रहे थे। वहीं बता दें आपको कि अजीत सरकार की हत्या के बाद पूर्णिया को शांत कराने के लिए जो है हेलीकॉप्टर से आरएस भट्टी को लेकर गए थे लालू यादव, जिसके बाद फिर पूर्णिया के जो है जलने की तपिश जो है पटना पहुंची। तो उस समय सरकार चला रही राबड़ी देवी के पति और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव हेलीकॉप्टर से पूर्णिया जाने को निकले, तो वहीं लालू ने आईपीएस अफसर आरएस भट्टी को साथ चलने का बुलावा भेजा, जिसके बाद भट्टी उस समय वेटिंग फायर जो है पोस्टिंग में जो है चल रहे थे, जिसके बाद आईपीएस जो है आरएस भट्टी लगातार जो है लालू प्रसाद यादव के साथ हेलीकॉप्टर पर सफर कर रहे थे, जिसके बाद पूर्णिया पहुंचे। तो वहीं सरकार के आदेश पर आरएस भट्टी पटना में लालू के हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। उसके बाद रास्ते में लालू ने जो है भट्टी को बताया कि आपको पूर्णिया संभालना है, जिसके बाद लालू का हेलीकॉप्टर पूर्णिया पहुंचा और फिर वहां से जो है काफिला अजीत सरकार के शव तक गया, जिसके बाद जनता ने लालू यादव का भी विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हाय हाय से जो है बात आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन लालू ने माहौल पढ़ लिया, जिसके बाद फिर लालू बोलने लगे और बोलते बोलते कह दिया कि हम पंजाब से लाए हैं आरएस भट्टी को, ये अपराधियों का भट्टा बैठा देते हैं। पूर्णिया वाले निश्चित हो गए कि पूर्णिया के एसपी का ट्रांसफर हो चुका था, भट्टी वहां के नए एसपी बना दिए गए थे। वहीं लोगों का गुस्सा कुछ कम हुआ, फिर लालू भट्टी को वहीं लेकर जो है पटना छोड़कर जो है लौट आए। तो वहीं देखा जाए तो आरएस भट्टी बिना तैयारी या सामान के पूर्णिया गए थे, जिसके बाद उन्हें हवा में उड़ने तक नहीं पता था कि वो पूर्णिया में एसपी बनाए गए हैं। तो वहीं भट्टी ने जांच शुरू की और उनकी जांच के बीच में जो है अजीत सरकार हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई, जिसके बाद सीबीआई की जांच का जो नतीजा है वो निकला, जिसके बाद भट्टी की जांच से अलग नहीं था। लेकिन देखा जाए तो पप्पू राजन तिवारी बगरव जो है आरोपी जो थे उनको बनाए गए थे, लेकिन कोर्ट से जो है बरी हो गए। लेकिन देखा जाए तो पूर्णिया में भट्टी ने कई क्रिमिनल गैंग को ठिकाने लगाया, जिसके बाद धमदाहा इलाके में अपराधियों की जो है समानांतर सरकार चलती थी, तमाम जो शांत है वो हो गया। तो वहीं आरएस भट्टी का नाम अभी भी चलता है, आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी बनाए गए हैं, तो वहीं लगातार चर्चा हो रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।